हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में 2.5 एक्सरसाइज। तो उसको स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए हमने पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने जो इसमें आइडेंटिटीज लगनी है इन सब को सॉल्व करने के लिए, हमने पहले वो पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो आइडेंटिटी आपको नहीं पता तो हमारी पहली वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं। 2.5 का फर्स्ट पार्ट है वो। अब ये इसका सेकंड पार्ट है, तो अब देखें कि ये कैसे होगा। हमारे पास जो है सम पहला, यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या करना है, इनकी आइडेंटिटी बताकर प्रोडक्ट निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स प्लस ए इंटू में एक्स माइनस बी। किसके को होगा ये, एक्स स्केयर प्लस ए बी, सॉरी एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी, ये इसके इक्वल होगा। तो देखिए हमारे पास ये है इक्वेशन एक्स प्लस फोर इंटू में एक्स प्लस टेन। तो हमने इसको इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास जो ए और बी है वो क्या है, फोर और टेन है। जो फोर है वो क्या है, ए, और जो टेन है वो है बी। तो उसको हम अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, फोर प्लस टेन इंटू में एक्स प्लस फोर इंटू टेन, यानी कि ए इंटू बी। फिर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी। हमने इनकी प्रोडक्ट करनी थी, जिससे हमें एक इक्वेशन मिलती वो हमारे पास ये आ गई। अब देखिए इसी में हमारे पास जो है सेकेंड पार्ट है इसी का, फर्स्ट का, उसमें क्या कहता है हमारे पास। देखिए एक्स प्लस एट इंटू में एक्स माइनस टेन है, उसको हमने सोल्व करना है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, जो अभी हमने देखी ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, यही वाली प्रॉपर्टी दोबारा लग जाएगी। बस चेंज क्या होगा, आप जस्ट यहाँ पे माइनस दिखा रखा है, आप माइनस को लिख देंगे बीच में। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस बी क्या है, माइनस टेन है, तो यहाँ पे माइनस टेन लिखा गया है और जो ए है वो एट है, तो मैंने एट लिखा है। देखिए उसके बाद क्या करना होता है, प्लस इंटू में एक्स लिख के प्लस में एट इंटू माइनस टेन। एट इंटू माइनस टेन क्यों, क्योंकि ए इंटू बी होता है। देखिए अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है ये वाली, एक्स प्लस ए इंटू में एक्स माइन एक्स प्लस बी, ये दोनों इंटू में है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी, इसको इस अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। जो देखिए इसको हम जब मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस का एट्टी हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए अगला क्या है हमारे पास थर्ड पॉइंट में, थ्री एक्स प्लस फोर क्या है हमारे पास, थ्री एक्स प्लस फोर इंटू में थ्री एक्स माइनस फाइव, हमने जो है इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए सबसे पहले हमने इसको क्या किया, हमने इसको नाइन से यहाँ से कॉमन निकाली, हमने नाइन यहाँ से कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री इंटू में एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री आ गया। फिर अब हम इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, देखिए हम इस पर ये प्रॉपर्टी लगा दें तो हमारा जो है सम हो जाएगा एक्स एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी। तो हमने इसकी आइडेंटिटी ओपन करी तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमने नाइन जो है पहले बाहर लिख दिया, उसके बाद जो हमारे पास एक्स स्क्वायर और ए एक्स ए बी है वो हमने फाइंड करना। देखिए हमारे पास जो एक्स है कंपेयर कर एक्स आएगा, जो ए है वो फोर अपॉन थ्री आएगा, इसी तरह जो बी है वो क्या आएगा, माइनस का फाइव अपॉन थ्री। तो हमने प्रॉपर्टी में इसको लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी प्लस बी ठीक है, उसके बाद इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी, और जो ए इंटू बी की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए की जगह लिखेंगे फोर अपॉन थ्री, बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का फाइव अपॉन थ्री, और एक्स की जगह तो हमारे पास एक्स ही है। फिर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नाइन बाहर पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस का वन अपॉन थ्री इंटू में एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन नाइन। फिर हमने क्या करना है, इस नाइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी। देखिए हमने ये चीज़ यहाँ पे जो है नाइन कॉमन क्यों लिया, किस कारण? देखिए हमारे पास जो एक्स होता था प्रॉपर्टी, देखिए हमारे पास क्या होती थी प्रॉपर्टी जो होती थी वहाँ पे खाली एक्स होता था, एक्स का कोफिशेंट क्या होता है वन, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वन होता था। पर हमारे पास देखिए यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशेंट क्या है, थ्री है, तो हमको यहाँ से थ्री रिमूव करना था या फिर एलिमिनेट करना था, तो इसीलिए हमने यहाँ से क्या किया नाइन कॉमन ले लिया। अगर हम थ्री कॉमन लेते तो सही नहीं बैठता, देखिए इसलिए हमने यहाँ से नाइन कॉमन लिया, जिससे हमारे पास जो है ये दोनों भी आ गए हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम अगले में, अगला फोर्थ पॉइंट है इसका, इसमें हमने क्या करना है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास जो है, इसकी स्टेटमेंट है वाई स्केयर प्लस थ्री अपॉन टू इंटू में वाई स्केयर माइनस थ्री अपॉन टू। तो देखिए इसमें जो है प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, यानी कि देखिए आपने इसको इस आइडेंटिटी के नाम से पढ़ा होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल में ए प्लस बी ए माइनस बी, आपने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा इसको। देखिए तो हमारे पास ये दोनों ये चीज़ है और हमें ये चीज़ बनानी है, तो हमने क्या किया ए जो है हमारे पास क्या है y और जो b है वो क्या है थ्री अपॉन टू, तो वही किया। देखिए ए स्केयर यानी कि y स्केयर का स्केयर करेंगे, जो b है सॉरी जो a है वो क्या है y स्केयर है, y नहीं है y स्केयर है, फिर हमने क्या किया उसका स्केयर कर दिया यानी कि ए स्केयर, और फिर थ्री अपॉन टू का भी स्केयर करेंगे क्योंकि वो हमारे पास b है तो हमने उसका स्केयर कर दिया। फिर हमने इसके स्केयर को ओपन किया यानी कि इसके स्केयर को हमने सोल्व किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्केयर का स्केयर क्या होगा, वाई की पावर फोर माइनस में थ्री का स्केयर नाइन टू का स्केयर फोर, इसलिए नाइन अपॉन फोर लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है फिफ्थ सम है, इसी में फिफ्थ पार्ट इसी का, देखिए क्या कहता है वो, उसमें जो है हमारे पास थ्री माइनस का टू एक्स इंटू में थ्री प्लस का टू एक्स, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसमें जो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी आइडेंटिटी ये वाली लगेगी जो अभी हमने फोर्थ सम में की इसके। तो देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी कि ए जो है वो है थ्री और जो बी है वो क्या है टू एक्स, तो हमने उसका स्केयर करना है, थ्री का स्केयर नाइन और बी का स्केयर क्या होगा यानी कि टू का स्केयर टू इंटू में एक्स का स्केयर क्या होगा फोर एक्स का स्केयर हो जाएगा। तो देखिए हमारे जो फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और अगला सम है इसका, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, इवेल्युएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई इनकी नहीं करनी, आपने इनडायरेक्ट मेथड से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इनडायरेक्ट मेथड से हम कैसे करेंगे, हमने क्या करना है 103 को पहले ब्रेक करना है, 103 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 3, इसी तरह हमने 107 को ब्रेक किया तो हमारे पास क्या आ गया 100 प्लस 7, तो अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, 100 की 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का स्केयर, फिर क्या करेंगे 100 की 7 से करेंगे तो 7 इंटू में 100 आएगा, इसी तरह से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 3 इंटू 100 आएगा, तो आप यहाँ से 100 कॉमन ले लीजिए और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 7, देखिए यहाँ पे ये लिख दिया है, और उसके बाद 3 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। आप इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं तो आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है इसकी, देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, हमने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए ए जो है एक्स जो है हमारे पास 100 है और जो ए है वो 3 है बी 7 है, हमने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज रख देनी है ए बी और एक्स की, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 11021 यानी कि 11021। फिर हमारे पास जो है दूसरी स्टेटमेंट है इसी में 95 इंटू में 96, आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है इनडायरेक्ट मेथड से, तो देखिए यहाँ से कैसे होगा 100 माइनस 5 100 माइनस 4, आपने जो है ना राउंड फिगर मान के जैसे कि 95 दिया हो तो आपने यहाँ से माइनस कर दिया 5,
100 में से। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपके पास 99 होता तो आप तभी माइनस करते, अगर आपके पास 100 से प्लस होते यानी कि 101, 102, 103 यानी कि 100 से प्लस, तब तो आप क्या करेंगे उसमें प्लस करेंगे। अगर आपके पास 100 से कम है तो आप उसमें जितने कम है 100 में से उतने माइनस कर देंगे। जैसे कि 95 है तो हमने यहाँ पे 100 में कितने कम है 5, तो हमने यहाँ से 5 कम कर दिया। इस तरह से हमने करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने 100 माइनस 5 कर दिया, 100 माइनस 4 कर दिया 95 और 96 को। फिर अब क्या करना है, प्रॉपर्टी वही जो अभी की थी, एक्स प्लस ए इंटू में एक्स माइ एक्स प्लस बी इंटू में है दोनों, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगी, आइडेंटिटी क्या हो ओपन होगी इसकी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी। तो हमने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी और एक्स निकालना है। तो हमारे पास जो ए है वो क्या है माइनस फाइव, और जो बी है वो है माइनस फोर, और जो एक्स है वो क्या है 100। देखिए मैंने वही लिख दिया, एक्स जो है 100 है, ए जो है माइनस फाइव और बी माइनस का 4। अब क्या करना है, हमने इसमें लिख देनी है वैल्यूज यानी कि एक्स ए और बी की जगह वैल्यूज़ को लिख देना है। इसको सॉल्व करें, 100 का स्क्वेयर 10,000 आ जाएगा, माइनस फाइव की माइनस फोर और माइनस फाइव माइनस नाइन होगा, माइनस नाइन की आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 900, और फिर आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आपके पास प्लस का 20 आ जाएगा। फिर देखिए इसको आप प्लस माइनस करें तो आप हमारे पास जो है क्या आ जाएगा 9,120 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास अगला है, देखिए इसमें 104 है, तो मैंने अभी आपको बताया था 100 से ज़्यादा आ जाए तो आपने प्लस करना है, तो 100 प्लस 4 कर दिया। और यहाँ पे आपके पास 100 से कम है, कितने कम है 100 से 4 कम है, तो 100 में से 4 यहाँ पे हमने कम कर दिए। अब इसको भी इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम खोलेंगे, देखिए कैसे, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो आप क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वेयर माइनस का निशान लगाकर प्लस 4 का स्क्वेयर कर देंगे। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9,984। देखिए इसमें थर्ड सम में क्या कहते हैं, फैक्टराइज करना है आपने अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाकर, जो यहाँ पे सबसे सेटिस्फाई करेगी क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग आपने जो है प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी लगेगी प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट में क्या है, 9x² प्लस 6 × xy प्लस y². तो देखिए हमारे पास जो है ये आइडेंटिटी होती है कौन सी, एक्स प्लस वाई का होल स्केयर होता है, उसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ऐसा ही आएगा। देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्केयर क्या होगा, x² प्लस 2 × xy प्लस y² होगा हमारे पास। तो अब देखिए हमारे पास जो है ये चीज़ है, हमें ये चीज़ बनानी है, यही मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में पहले लिख दिया था, आपको मैंने दोबारा याद दिलवाने के लिए एक बार ऊपर लिखा है। तो उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी को हम जैसे कि हम एक्स प्लस वाई का, अभी मैंने क्या किया था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन किया था, अब इसको मैंने क्लोज करना है यानी कि इसको मैंने इस फॉर्म में वापस लाना है। तो देखिए कैसे आएगा ये, आप क्या करेंगे 3x 3 × x में इसका स्क्वायर कर दे तो हमारे पास जो है 9x² आएगा, यानी कि फिर मैंने क्या कर दिया 3 × x का होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास जो है एक्स क्या आ जाएगा 3x, और जो बी आएगा यानी कि वाई आएगा वो हमारे पास क्या है वाई, और फिर वाई का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 3x + y × 3x + y। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम चाहे अब इसको छोटा भी कर सकते हैं, और तो इसको हमने कैसे छोटा किया, देखिए 3x + y का होल स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आप चाहे सीधे इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इसको ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए अगला है जो हमारे पास सेकंड, इसमें थर्ड का सेकंड पार्ट हमारे पास ये है 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसको हमने वापस से शॉर्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे 2y का होल स्क्वायर यानी कि 4y² को देखते हुए हमने क्या किया 2y का होल स्क्वायर कर दिया, जो हमारे पास क्या देगा हमको, इसका अगर स्क्वायर ओपन करेंगे इसका तो हमको 4y का स्क्वायर वापस मिल जाएगा, इसीलिए हमने इसको 4y² को क्या लिख दिया 2y का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास जो है माइनस 4y है, तो उसको हम क्या करेंगे 2 × 2y × 1, और जो 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया है। फिर इसको हमने क्या किया, इसको हमने कैसे लिखना है 2y + 1 का होल सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का था,
यहाँ पे हमारे पास माइनस है इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस करते। हमने सिर्फ किस में ध्यान देना है, जो हमारे पास मिडिल टर्म होगी यानी कि टू इंटू आप लिखते हैं टू इंटू एक्स इंटू वाई, आपने उसमें देखना है कि आपका जो नेगेटिव तो नहीं है कोई, अगर नेगेटिव है तो आपने देखना है फिर कौन सी चीज़ आपके पास नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव हमारे पास हमेशा इसमें वाई ही आएगा, तो यहाँ पे वाई के साथ हमने क्या लगाना है माइनस। फिर आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों ही आपके लिए इक्वल हैं। देखिए हमारे पास जो इसमें थर्ड पॉइंट है क्या है, थर्ड पार्ट इसका एक्स स्केयर माइनस में वाई स्केयर अपॉन 100 इक्वल में, हम इसका कैसे बना सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्केयर, क्योंकि 10 का स्केयर कितना होता है 100 और वाई का वाई स्केयर होता है, तो हमने क्या कर दिया वाई अपॉन 10 करके उसका होल स्केयर कर दिया। अब देखिए हम इस एडेंट इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को कैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। देखिए मैंने वही किया है एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू में एक्स माइनस वाई अपॉन 10। अब देखिए फोर्थ है इसमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, जो आपको यहाँ पे सूटेबल आइडेंटिटी लगे आपने उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना है यानी कि आपने इसको ओपन करना है। आपके पास होती जैसे आइडेंटिटीज होती थी एक्स प्लस वाई स्केयर एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, आप इसको जो यहाँ लिखते थे इक्वल में वो क्या होता था इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती थी। आपने क्या करना है, अब आपके पास ये है यानी कि आपके पास ये चीज़ है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको एक्सपेंड, हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर, तो इसकी आइडेंटिटी हम कैसे लिखते थे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस में टू एक्स वाई प्लस में टू वाई जेड प्लस में टू जेड एक्स, तो हमारे पास क्या है एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्केयर। देखिए एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्केयर, इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, वाई क्या है टू वाई का, टू वाई है हमारे पास वाई, हम पहले इसको लिख सकते हैं ऐसे, जो हमारे पास है एक्स जो है वो हमारे पास एक्स है, वाई जो है वो क्या है टू वाई, और जो जेड है वो क्या है फोर जेड है। तो हम चाहे इस प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर हम इसमें एक्स और एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दें तो हमारे पास वही आ जाएगा जो हमारे पास आना चाहिए था। देखिए चाहे आप इसमें सीधा ही पुट कर दीजिए एक्स स्केयर प्लस वाई टू वाई स्केयर प्लस फोर जेड स्केयर प्लस टू इंटू में एक्स इंटू में टू वाई प्लस में टू इंटू में टू वाई इंटू में फोर जेड प्लस टू इंटू में फोर जेड इंटू में एक्स, फिर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस फोर वाई स्केयर प्लस 16 जेड स्केयर प्लस 4 एक्स वाई प्लस 16 वाई जेड प्लस 8 एक्स जेड। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, इसलिए तभी आपकी ये सम जो है आसानी से हो पाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता कौन कौन सी होती है तो मैंने पहले वाली वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं, मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो देखिए अगला क्या है सेकंड में, टू प्लस टू इंटू में एक्स टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्केयर, हमने इसको भी इसी तरीके से सोल्व करना है जैसे कि हमारे पास ये माइनस में है, आपने क्या करना है माइनस को एक साथ ही रखना है और ब्रैकेट के अंदर लिखना है और बाहर प्लस का निशान डालते जाना है, जब आप उसको सोल्व करें तब आप मल्टीप्लाई करते वक्त माइनस को सोल्व कर दें उसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फोर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इन माइनस का फोर एक्स वाई माइनस का टू वाई जेड प्लस का फोर एक्स जेड। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, जो बाकी की क्लास होगी यानी कि बाकी इसके समय अगली वीडियो में कर लेंगे। तो अब इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।